गुजरात में बहुजन चित आप पार्टी का कुनबा अभी से ही बिखरने लगा है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कुनबे से जुड़ी भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने आपसे नाता तोड़ लिया है। वहीं बीटीपी ने आपके प्रमुख और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही बीटीपी नेता छोटू भाई वासवा ने अपने दम पर पार्टी की मजबूती के लिए काम शुरू कर दिया है। बता दें कि बीटीपी का ये रुख केजरीवाल के गुजरात दौरे के बाद सामने आया है। वहीं झागड़िया एमएलए छोटू भाई ने मीडिया के सामने पार्टी का फैसला बताया है और कहा है कि आपके साथ गठबंधन के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। इसके लिए उन्होंने खुद आपको जिम्मेदार बताया है। कहा कि आप नेता उनकी पार्टी को नजरअंदाज कर जनजातीय क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पार्टी की अपेक्षा को लेकर उन्होंने 10 दिन पहले आप के गुजरात प्रभारी को पत्र भी लिखा था, लेकिन अब तक उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में उनकी पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का फैसला किया है। बीजेपी नेता छोटू भाई वासवा ने बताया कि आप जनजातीय क्षेत्रों में अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेताओं को हराने का खेल खेल रच रही है। इसी खेल के चलते इन क्षेत्रों में रैली के दौरान बीजेपी नेताओं ने को भाव नहीं दिया जा रहा है और इससे उनको खेल साफ जाहिर हो रहा है कि अब जो है पार्टी भी एटीपी जो है वो अब आप पार्टी को टक्कर देने के लिए उतर सकती है अब इस खेल में। बाकी आप क्या कहेंगे, क्या बीजेपी इस बार आप पार्टी को टक्कर देने के लिए खड़ी हो पाएगी, क्योंकि इस बार जो है गुजरात में जो उनका किला है वो ढहता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करें।